आफ्टरनून। एक्चुअली आज बज चुका है अभी 12:30, क्योंकि ये सुबह प्रियांशी हरबरी से मतलब स्कूल जाते समय ब्लॉग में बना नहीं पाती हूँ, फिर उसके जाने के बाद आई और मैं सो गए थोड़ा सा, और उठते उठते लेट हो जाता है, 8:30 हो गया है, क्योंकि उसके पापा खाना लेके नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आराम से धीरे धीरे खाना बना रही हूँ। तो अभी मेरा चावल बिठाई हूँ और दाल हो चुका है, कुछ भजा करूँगी, आलू का फ्राई करूँगी प्रियांशी के लिए, वो सब काम बाकी है, एंड आयु को नहला धो के सुलाती हूँ। सो गया है वो, नहाने के बाद लिटरली सो ही जाता है, तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। और आज उसका 2 मंथ हो गया, आज 28 है ना, तो आयु को फाइनली 2 मंथ कंप्लीट हो गया है, और मुझे लग रहा है वो अपना हेड पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग कर चुका है, और शायद कम से कम 15-20 दिनों में वो पूरा ऐसे करके सर रख देगा, फिर प्रियांशी जैसे भी पकड़े और टेंशन नहीं होगा। सब लोग बोलते हैं ना उसका सर ऐसे ऐसे लड़लड़ करने से इधर कुछ हो जाएगा, मेरी मम्मी बोलती हैं, इसी वजह से सब कोई बड़े बोलते हैं कि केयरफुली उसको पकड़ना चाहिए। कभी कभार प्रियांशी उसको ऐसा करके भी पकड़ लेती है तो मुझे बहुत डर लगता रहता था, तो उसको बार बार मैं बोलती हूँ कि भाई छोटा है तो अच्छे से उसको पकड़ा करो, तो इसलिए वो धीरे धीरे सीख भी गई। एंड कल तो संडे जो था बिल्कुल ही बिजी डे था, इतना बिजी डे था कि मैं आपको बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कल हमने प्रियांशी के लिए गोदरेज खरीदे न्यू वाला, जो जो उसका वीडियो हम शूट किए, तो वो गोदरेज हम जाके उसके पापा मैं आयु जाके चूज करके आए, क्योंकि प्रियांशी को फोटो ही भेज दी थी, वो ओडिसी डांस क्लास गई थी इसी वजह से वो नहीं गई देखने के लिए, लेकिन मुझे प्रिंटेड वाला पसंद था थोड़ा डिजाइन वाला, लेकिन प्रियांशी को पूरा क्लासिक एंड प्लेन चाहिए था, तो वो जो चूज की उसी को ही हमने मंगाया। तो फिर आई आके खाना वाना बनाते बनाते 3 बज गया, गोदरेज वाला ने बोला था कि अभी भेज देंगे आधा घंटे में, लेकिन वो भेजे नहीं, उनके लोग खाने के लिए चले गए, तो हम उसका इंतज़ार करते करते दोपहर को कुछ शूट भी नहीं कर पाए, और ये घर पूरा परसों से मतलब फ्राइडे से क्लीन होने में हो रहा था, फाइनली कल हो गया। एंड वो लोग लाए हैं हमारा गोदरेज इवनिंग को 5:30 बजे, फिर वो लाए, फिर नीचे का पैर नहीं लाए थे, फिर उसके लिए वेट किए, फिर वो इवनिंग तक हुआ, 7:30 बज गया उसका पैर लगाते लगाते, तो फिर कपड़ा सारा प्रियांशी के बेड में गिरा था, एंड प्रियांशी का पढ़ाई भी था, और प्रियांशी का काम बहुत स्लो होता है, कुछ काम इतना स्पीडी वो नहीं कर पाती है, काम बोलो तो बाकी सब कर लेती है स्पीडी, लेकिन काम नहीं कर पाती है, तो वो क्या की कि उसका जो टॉप सारा है वो हैंग कर दी, बाकी सारा कपड़ा मुझे बोली कि क्या किस में रखना है, तो मैं धीरे धीरे उसको फोल्ड करके रखी, तो ऐसे कर करके 8 बज गया। एंड कल इतना बिजी था कि मैं परसों वाला वीडियो जो कल आता है 2 बजे वो दे नहीं पाई, आज सुबह जाके उसको एडिट की हूँ, अभी अपलोड हो रहा है, अभी पब्लिक कर दूँगी, तो आज आपको दो ब्लॉग देखने को मिलेगा, जो पुराना वाला है, जो 26 वाला ब्लॉग है वो भी आज देखोगे, और कल 27 वाला ब्लॉग भी आज देखोगी, लेकिन वो थोड़ा इवनिंग तक दूंगी जो 27 वाला है, क्योंकि वो एडिट अभी तक नहीं की हूँ, तो इवनिंग तक करूँगी। एंड प्रियांशी स्कूल गई है, वो आने के बाद भाई को उसका रखेगी, थोड़ा भाई सो जाएगा तो उसका मैं जाऊँगी उसके लिए केक लाने के लिए, और आज उसका 2nd मंथ बर्थडे है, तो 2nd मंथ बर्थडे का मतलब थीम क्या करेगी वो दीदी आने से चूज करेगी, उसका एक वीडियो बनाएंगे आयु के चैनल के लिए, क्योंकि बेचारे आयु के चैनल के लिए भी वीडियो चाहिए हम लोगों को, और वीडियो है ही नहीं कुछ, उसके लिए एक टॉय मंगाए हैं, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, वो भी हम नहीं बना पाए, सैटरडे संडे ऐसा ही चला गया हमारा। अभी मैं खाना बना रही हूँ, आधा बना है, तो प्रियांशी आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम उसके बाद आयु का 2nd मंथ बर्थडे के लिए क्या करेंगे। उसके पापा तो बोल रहे हैं कि छेना पोड़ो लेके आओ और कट करो, लेकिन छेना पोड़ो जो होता है वो मुझे भी नहीं पसंद, कि प्रियांशी को भी नहीं पसंद, एंड आयु तो खाएगा नहीं अभी, सो इसीलिए केक लाएंगे, क्योंकि प्रियांशी का पसंदीदा केक लाएंगे, तो वो खाती है ना केक पसंद करती है, सो दैट। तो फिर आज उसका ट्यूशन भी है, कोचिंग भी जाएगी, तो हमको प्रियांशी आते आते 2:30 बज जाएगा, नहाएगी खाएगी 3 बज जाएगा, 3:30-4 बजे हमको जैसे भी शूट करना पड़ेगा, 6:30 बजे वो ट्यूशन जाएगी। इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज गया है प्रियांशी का ट्यूशन जाने का टाइम, क्या टाइम हुआ आप घड़ी पहने हो तो देखो, अभी दूध पिलाए थे ना इसलिए, और ये बात कर रहा है, यू 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 कर रहा है, अच्छा आयु हम डायपर पैसा दे के खरीदे हैं, जानते हो तो जितनी बात तुम अभी बोल चुके हो आयु, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी पैसा नहीं दी है, पैसा दे के खरीदे हैं 999 फ्री में, बाकी सब फ्री में थोड़ी ला रहे हैं। अरे मैं उसको बोल दूं डायपर में गुगु करो, उसका मुंह देखो क्या
उसको सुला दो और थोड़ा उसको टॉय दे दो, उसको खेलना है। अभी ऐसा हो रहा तो पूरा जंप कर लेता मेरे। हाँ वो अभी खेलने के मूड में। क्या क्या कौन गोदी लेगा? हाँ इसके हेड कैसे रोटेट करता है फ्रेंड्स लोग को दिखाओ। चलो उस तरफ उस तरफ उस तरफ। हाँ फिर इस तरफ आयु इधर इधर देखो देखो पलट। जो प्रियांशी स्कूल से हाँ आयु देखो इधर दीदी बुला रही है। देखो देखो तुम उसके पास पास लो ना आइज के पास पास लाल वाला। हाँ ऐसे उतना भी पास नहीं थोड़ा ऊपर से बस ऊपर से रे बाबू। हाँ इधर पलटता है वो। मैं जब उसका ऑयल मसाज करती हूँ ये वाला एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और अभी हम लोग बहुत अच्छा एक वीडियो शूट किए। क्या शूट किए प्रियांशी? सेलिब्रेशन के दिस फ्राइडे को देख ले लोगे। हम उसको आज ही सेंड कर देंगे एडिटिंग करने के लिए। दीदी को हम बाय करने जाएंगे, हम गेट खोलने जाएंगे। दीदी हम गेट खोलने जाएंगे। आयु थोड़ा बड़ा हो के आप तुमको बाय करने जाएगा जानते हो। हाँ दीदी जल्दी आ जाना, 9 बजे आ जाना। नहीं 10 बजे आऊँगी। येल्लो रिबन का क्या करें प्रियांशी? हेड पे लगाने का है रिबन भी रखे हैं वो। अच्छा तो ले आना। चलो फिर जल्दी चलो टाइम हो जाएगा। बाय बाय बाय। हेलो एवरीबॉडी, मैं ट्यूशन से अभी वापस आई हूँ और आज मेरा ये जो नेक है ना ये बहुत दुख रहा। पता नहीं स्कूल के मतलब रिसेस के बाद से इधर ऐसा पेन सा हो रहा है। तो मैं डिनर कर चुकी हूँ चकुली। और इस बार बोल रहे हैं कि 30 तारीख को जो राखी है वो अच्छा वाला नहीं कर रहा है। अपनी नानी बोली उसको राखी नहीं बांधना है, 31 को करना है। वो क्या एक अशुभ मुहूर्त है क्या? तो फ्रेंड्स लोग पूछे तो वो लोग राखी कब मना रहे हैं कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग अपना राखी कब सेलिब्रेट कर रहे हो। कमेंट ओके ओके एवरीबॉडी। और या मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मुझे आज मिला है मॉन्टर बैच विच मीन्स मैं मेरे क्लास के मॉन्टर हूँ। अभी ये 2-3 दिन के लिए होता है, फिर रोल नंबर वाइज चल रहा है तो मेरा रोल नंबर भी 2-3 के लिए होगा। मतलब मेरे रोल नंबर के बाद वाले बच्चे हो रहा है तो रोना तो नहीं चाहिए। मतलब रुको तो इधर तो साइन देता प्रॉबली आई एम नॉट श्योर। तो बैग पैक कर लेते चलो। बैग पैक बैग दे दो, मेरा बैग दे दो थोड़ा स्कूल में। जो जो कुछ नहीं चाहिए वो टेबल पर रख देता हूँ। बाद में क्या बोल रही हूँ, मैं बाद में जब कल आऊँगी सो वी नीड साइंस बुक कैप। कल हम लोगों का स्पोर्ट्स डे तो कल हम लोगों का पहना व्हाइट यूनिफॉर्म। स्पोर्ट्स डे तो नहीं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है तो इसलिए हम लोगों को व्हाइट यूनिफॉर्म पहना और अपने हाउस के अकॉर्डिंग रिबन टाई करना है बाल पे। तो मेरा हाउस है प्लूटो विच इज़ येलो। तो ये मैं रिबन आज लाई स्टूडेंट गैलेक्सीज के। तो मैं कल ऐसे ब्रेड्स करूँगी और ये येलो रिबन डालूँगी
मैं आप लोगों को सुबह अगर होगा तो उठ के दिखा भी दूंगी, फोटो मम्मी उठा लेगी, आप व्लॉग में देख लेना कल के। एंड या दैट्स इट, बैच को पाउच के अंदर रख देते तभी भूलूंगा। अरे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलू, मेरी हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस कॉपी, और अगर ये मैं नहीं लेती ना तो मैं बहुत डांट सुनती हमारे हिंदी टीचर से। It now I am going to sleep. Hopefully आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया है। And yeah, don't forget to like, share, subscribe and click the bell icon. Bye bye everybody.